हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 से 6 महीनों से ई विधानसभा बनाने को लेकर तैयारी चल रही है, वहीं 30 जून तक विधानसभा पूरी तरह से पेपरलेस हो जाएगी। हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान ज्ञानचंद गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा विधानसभा को ई विधानसभा बनाने का प्रयास पिछले 5 से 6 महीने से चल रहा है, जिसके परिणाम अब दिखाई देने लगे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी मॉनसून सत्र से पहले ही 30 जून तक विधानसभा पेपरलेस हो जाएगी। आगे जानकारी देते हुए गुप्ता ने बताया कि विधायकों के टेबल पर स्क्रीन और माइक लगाने की भी तैयारी है, उसकी व्यवस्था क्या रहेगी इसको लेकर भी समीक्षा की है। हरियाणा विधानसभा को ई विधानसभा बनाने के लिए लगभग 5-6 महीने से निरंतर हमारी कोशिश जारी रही है और उसके परिणाम अब कुछ दिखाई देने लगे हैं। कल ही हमारी नेवा के अधिकारियों की और हमारे जो माननीय विधायक हैं, जो नेवा कमेटी के मेंबर हैं, उनकी एक संयुक्त रूप से बैठक हुई थी। उस बैठक में अब तक की कार्यों की प्रगति की समीक्षा हमने की है। उस समीक्षा के आधार पर जो निकल कर सामने आया है वो ये कि 30 जून तक, यानी कि जो आगामी मानसून सत्र आने वाला है, उस मानसून सत्र तक हमारी जो विधानसभा है वो निश्चित तौर पर पेपरलेस हो जाएगी, ई विधानसभा हो जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जून तक हरियाणा विधानसभा को ई विधानसभा में परिवर्तित कर सके, इसको लेकर हमारा प्रयास जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा के कर्मचारियों की ट्रेनिंग को लेकर भी काम शुरू हो चुका है। हमारे आईटी के अधिकारियों को 2 दिन की ट्रेनिंग दी गई थी, लेकिन अब हमारे विधानसभा के कर्मचारी को ट्रेनिंग दी जा रही है। अगले सप्ताह से ट्रेनिंग सेशन शुरू होगा, जिसमें विधायकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि विधायकों की मदद के लिए विधानसभा के अंदर भी ट्रेंड एम्प्लॉयज रहेंगे, ताकि सेशन के दौरान भी मदद कर सके। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिमर की रिपोर्ट।